स्विच हाउ टू चेंज थिंग्स व्हेन चेंज इज हार्ड। बदलाव के बारे में तीन आश्चर्य परिचय। लोगों की समस्या क्या दिखती है, यह अक्सर एक समस्या है। सभी परिवर्तन प्रयास में कुछ न कुछ होता है। किसी भी चीज को बदलने के लिए किसी को अलग तरह से अभिनय शुरू करना पड़ता है। अंततः सभी परिवर्तन प्रयास एक ही मिशन के लिए उबलते हैं। क्या आप लोगों से नए तरीके से व्यवहार करना शुरू कर सकते हैं? सफल परिवर्तन एक सामान्य पैटर्न साझा करते हैं। उन्हें एक बार में तीन काम करने के लिए परिवर्तन के नेता की आवश्यकता होती है। किसी के व्यवहार को बदलने के लिए आपको उस व्यक्ति की स्थिति को बदलना होगा। एक व्यक्ति के व्यवहार को बदलने के लिए आपको न केवल उनके पर्यावरण बल्कि उनके दिल और दिमाग को प्रभावित करना होगा। समस्याएं यह है कि दिल और दिमाग अक्सर असहमत होते हैं। हाथी हमारा भावनात्मक पक्ष सवार, हमारे तर्कसंगत पक्ष सवार हाथी को नियंत्रित करता है और नेता लगता है, लेकिन राइडर हाथी की तुलना में छोटा है कि किसी भी समय असहमत हो सकता है और दूसरे रास्ते पर जा सकता है। यदि आप चीजों को बदलना चाहते हैं, तो आपको राइडर और हाथी दोनों से अपील करनी होगी। सवार योजना और दिशा प्रदान करता है और हाथी ऊर्जा प्रदान करता है। आत्मनियंत्रण एक संपूर्ण संसाधन है। यह जिम में बेंच प्रेस करने जैसा है। हमारे दैनिक व्यवहार का अधिकांश पर्यवेक्षण की तुलना में अधिक स्वचालित है, और यह अच्छा है क्योंकि पर्यवेक्षित व्यवहार कठिन सामान है। यह सूखा हुआ है। जब लोग उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो वे आमतौर पर उन व्यवहारों के साथ छेड़छाड़ करते हैं जो स्वचालित हो गए हैं, और उन व्यवहारों को बदलने के लिए राइडर द्वारा सावधानी पूर्वक पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। जितना बड़ा परिवर्तन आप सुझा रहे हैं, उतना ही यह लोगों के आत्मनियंत्रण को चीर देगा। वे एक बड़ा बदलाव करने के लिए आवश्यक मानसिक मांसपेशियों को ठीक कर रहे हैं। बदलाव कठिन है क्योंकि लोग खुद को पहनते हैं। आलस जैसा दिखता है अक्सर थकावट होती है। यदि आप किसी के सवार तक नहीं बल्कि उनके हाथी तक पहुंचते हैं, तो उनके पास प्रेरणा के बिना दिशा होगी। एक बार जब आप चीजों को बदलने की भावना को तोड़ते हैं, प्रतिरोध जैसा दिखता है अक्सर स्पष्टता की कमी होती है। यदि आप लोगों को बदलना नहीं चाहते हैं, तो आप उन्हें स्वस्थ कार्य करने के लिए नहीं कहते हैं। आप कहते हैं, अगली बार जब आप किराने की दुकान के डेयरी गलियारे में होते हैं, तो पूरे दूध के बजाय 1% दूध के गुड़ के लिए पहुंचे। बदलते व्यवहार का मूल तीन भाग ढांचा सवार को निर्देशित करें, क्रिस्टल स्पष्ट दिशा प्रदान करें, हाथी को प्रेरित करें। सवार बहुत लंबे समय तक बल द्वारा अपना रास्ता नहीं प्राप्त कर सकता है। लोगों के भावनात्मक पक्ष को अपने हाथी के सहयोग को प्राप्त करने के लिए संलग्न करें। पथ को आकार दें। लोगों की समस्या क्या दिखती है, यह अक्सर एक समस्या है। हम स्थिति को पथ कहते हैं और हमें परिवर्तन को आसान बनाने के लिए पथ को आकार देना चाहिए। चमकीले धब्बों का पता लगाएं। अध्याय एक उज्ज्वल स्पॉट अनुकरण के लायक सफल प्रयास। चमकीले धब्बे यहाँ आविष्कृत नहीं समस्या को हल करते हैं। कुछ लोगों को आयातित समाधानों पर संदेह है। कठिन समय में राइडर हर जगह समस्याओं को देखता है और विश्लेषण पक्षाघात अक्सर अंदर जाता है। राइडर अपने पहियों को अनिश्चित काल तक स्पिन करेगा जब तक कि उसे स्पष्ट दिशा नहीं दी जाती है। इसलिए परिवर्तन पर प्रगति करना, आपको राइडर को निर्देशित करने के तरीके चाहिए। उसे दिखाएं कि कहां जाना है, कैसे कार्य करना है, किस मंजिल का पीछा करना है। और यही कारण है कि उज्ज्वल स्पॉट इतने आवश्यक हैं क्योंकि वे राइडर को निर्देशित करने के लिए आपकी सबसे अच्छी उम्मीद है जब आप बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। समाधान केंद्रित चिकित्सक अपने रोगियों को चमत्कार के पहले संकेत पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। पहला छोटा संकेत क्या है जो आप देखेंगे कि आपको लगता है कि समस्या दूर हो गई है, क्योंकि वे उन उद्धरों से बचना चाहते हैं जो अत्यधिक भव्य और अप्राप्य है। एक बार जब वे रोगियों को प्रगति के विशिष्ट और ज्वलंत संकेतों की पहचान करने में मदद करते हैं, तो वे एक दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। अपवाद प्रश्न, जब आखिरी बार आपने चमत्कार को थोड़ा सा देखा था, तो भी थोड़े समय के लिए। चिकित्सक जो सूक्ष्मता दिखाने की कोशिश कर रहा है वह यह है कि ग्राहक अपनी समस्या को हल करने में सक्षम है। शराबी के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब वह तड़प के बावजूद शांत रहता है। उन चमकीले धब्बों का खनन किया जाना सोना है। यदि आप चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके देखने के क्षेत्र में उज्ज्वल स्पॉट होने जा रहे हैं, और यदि आप उन्हें पहचानना और उन्हें समझना सीखते हैं, तो आप परिवर्तन के मूलभूत रहस्यों में से एक को हल करेंगे। क्या वास्तव में क्या होना चाहिए, अलग तरह से किया उज्ज्वल स्पॉट दर्शन क्या काम कर रहा है और हम इसे और अधिक कैसे कर सकते हैं। आमतौर पर हम अपने आप से पूछते हैं क्या टूट गया है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन यह गलत है। बड़ी समस्याओं को बड़े समाधान के साथ शायद ही कभी हल किया जाता है।
इसके बजाय वे अक्सर छोटे समाधानों के अनुक्रम द्वारा हल किए जाते हैं। जब राइडर समस्या का विश्लेषण करता है तो वह एक ऐसा उपाय खोजता है जो इसके पैमाने को मापता है। यदि राइडर में छेद होता है तो वह उसे भरना चाहता है, और अगर उसे 24 इंच के व्यास के साथ एक गोल छेद मिला है तो वह 24 इंच के खूंटे की तलाश में जाने वाला है। लेकिन वह मानसिक मॉडल गलत है। क्रिटिकल मूव्स को स्क्रिप्ट करें। अध्याय 2 निर्णय पक्षाघात अधिक विकल्प यहाँ तक अच्छे भी हमें फ्रीज कर सकते हैं और हमें डिफॉल्ट योजना से पीछे हट सकते हैं। व्यवहार तर्कसंगत नहीं है लेकिन यह मानवीय है। बैरी श्वार्ट्ज़ पसंद अब मुक्त नहीं है, यह दुर्बल करता है। परिवर्तन नए विकल्प लाता है जो अनिश्चितता पैदा करते हैं। यह केवल विकल्प नहीं है जो निर्णय पक्षाघात उत्पन्न करता है, जैसे कि 100 स्वादों में से एक डोनट चुनना। अस्पष्टता भी करती है। परिवर्तन के समय में आप नहीं जान सकते कि क्या विकल्प उपलब्ध है, और यह अनिश्चितता एक निर्णय पक्षाघात के रूप में निश्चित रूप से 24 जाम के साथ एक तालिका की ओर जाता है। निर्णय पक्षाघात परिवर्तन के लिए घातक हो सकता है क्योंकि सबसे परिचित पथ हमेशा यथास्थिति है। अस्पष्टता ही शत्रु है। किसी भी सफल परिवर्तन के लिए ठोस व्यवहार में अस्पष्ट लक्ष्यों के अनुवाद की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में आपको महत्वपूर्ण चाल की स्क्रिप्ट करने की आवश्यकता है। एक नई दिशा में एक आंदोलन को चिंगारी करने के लिए आपको क्रिस्टल स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि स्क्रिप्टिंग महत्वपूर्ण है। आपको उस विशिष्ट व्यवहार के बारे में सोचना है जिसे आप कठिन क्षण में देखना चाहते हैं। आप हर चाल को स्क्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। यह शतरंज के खेल में 17वें कदम को दूर करने की कोशिश करने जैसा होगा। यह महत्वपूर्ण कदम है कि गिनती है। यदि आप एक बदलाव के प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं तो आपको परिवर्तन के अपने दृष्टिकोण से अस्पष्टता को दूर करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि आपको यह समझना होगा कि कैसे महत्वपूर्ण चालों को लिपिबद्ध किया जा सकता है कार्यों में आकांक्षाओं का अनुवाद करने के लिए। जब तक आप एक परिवर्तन के विचार से एक विशिष्ट व्यवहार के लिए अपना रास्ता नीचे नहीं कर सकते, तब तक आप एक स्विच का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है। एक आंदोलन बनाने के लिए आपको विशिष्ट और ठोस होना चाहिए। गंतव्य की ओर इशारा करते हैं। अध्याय 3 डेस्टिनेशन पोस्टकार्ड। परिवर्तन को बनाने में हम उन लक्ष्यों में रुचि रखते हैं जो हाथ के करीब होते हैं, जो कि महीनों के भीतर निपटाए जा सकते हैं, न कि वर्षों में। हम चाहते हैं कि जिसे हम एक गंतव्य पोस्टकार्ड कह सकते हैं, निकट भविष्य के एक ज्वलंत चित्र जो दिखाता है कि संभव हो सकता है। हमने चमकीले धब्बों का पीछा करने के महत्व को देखा है और हमने सवार को निर्देश देने के तरीकों पर चर्चा की है कि कैसे व्यवहार करें, लेकिन हमने बहुत ही मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। हम अंत में कहाँ हैं? मंजिल क्या है? जब आप एक सम्मोहक गंतव्य का वर्णन करते हैं तो आप एक राइडर की महान कमजोरियों को ठीक करने में मदद कर रहे हैं, विश्लेषण में खो जाने की प्रवृत्ति। जब आप एक आकर्षक गंतव्य की ओर इशारा करते हैं तो राइडर अपनी ताकत का पता लगाने के लिए आवेदन करना शुरू कर देता है कि वहां कैसे पहुंचे। स्मार्ट लक्ष्य, विशिष्ट औसत दर्जे का, कार्रवाई योग्य, प्रासंगिक और समय पर लक्ष्य। एक्स, मेरा विपणन अभियान Q3 के अंत तक बिक्री समूह के लिए 4500 योग्य बिक्री लीड उत्पन्न करेगा। परिवर्तन स्थितियों के लिए, स्थिर राज्य स्थितियों के लिए स्मार्ट लक्ष्य बेहतर होते हैं क्योंकि अंतर्निहित धारणाएं हैं कि लक्ष्य सार्थक है। हाथी तक पहुंचने वाले लक्ष्यों की तलाश में जो लोगों को अंत में मारते हैं, आप स्मार्ट लक्ष्यों पर बैंक नहीं कर सकते। 1980 के दशक में कॉर्पोरेट परिवर्तन प्रयासों के एक प्रमुख अध्ययन में पाया गया कि वित्तीय लक्ष्यों ने सफल परिवर्तन को प्रेरित किया, जो कि ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने या अधिक उपयोगी उत्पाद बनाने के लक्ष्य जैसे भावनात्मक लक्ष्यों से कम था। प्रभावी दर्शन मूल्यों को व्यक्त करते हैं जो कर्मचारियों को संगठन के साथ पहचान करने की अनुमति देते हैं। गंतव्य पोस्टकार्ड डबल ड्यूटी करते हैं। वे उस सवार को दिखाते हैं जहां आप जा रहे हैं और वे हाथी को दिखाते हैं कि यात्रा क्यों सार्थक है। आपको एक अच्छा व्यवहार स्क्रिप्ट के साथ टूर डेस्टिनेशन पोस्टकार्ड का बैकअप लेना होगा। यही सफलता का नुस्खा है। जब आप शुरुआत में हो तो बीच के बारे में ध्यान न दे क्योंकि वहां पहुंचने के बाद बीच अलग दिखने लगता है। बस एक मजबूत शुरुआत और मजबूत अंत की तलाश करें और आगे बढ़े। राइडर को अपील करने के लिए एक गेम प्लान, एक उज्जवल स्पॉट का पालन करें। जैसा कि आप स्थिति का विश्लेषण करते हैं, आप कुछ चीजें ढूंढना सुनिश्चित करते हैं जो दूसरों की तुलना में बेहतर काम कर रही है। विफलताओं के बारे में मत सोचो, इसके बजाय सफलताओं की जांच और क्लोन करें। 2, सवार को दिशा दे, एक शुरुआत और एक खत्म दोनों। उसे एक गंतव्य पोस्टकार्ड भेजें, आप जल्द ही एक तीसरा ग्रेडर होगा।
भावना का पता लगाएं। अध्याय 4। इस मामले का मूल हमेशा लोगों के व्यवहार को बदलने के बारे में है, और व्यवहार परिवर्तन अत्यधिक सफल स्थितियों में होता है जो ज्यादातर लोगों की भावनाओं को बोलकर होता है। अत्यधिक सफल परिवर्तन प्रयासों में लोग दूसरों की समस्याओं या समाधानों को देखने के तरीकों में मदद करते हैं जो भावनाओं को प्रभावित करते हैं, न कि केवल विचार। लगभग सभी सफल परिवर्तन प्रयासों में परिवर्तन का क्रम विश्लेषण विचार परिवर्तन नहीं है, बल्कि देखने महसूस परिवर्तन है। आपको सबूत के साथ प्रस्तुत किया जाता है जो आपको कुछ महसूस कराता है। परिवर्तन कठिन है क्योंकि लोग उन आदतों को बदलने के लिए अनिच्छुक हैं जो अतीत में सफल रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो हमें उन लोगों को समझाने के लिए एक संकट पैदा करने की जरूरत है जो वे तबाही का सामना कर रहे हैं और उनके पास स्थानांतरित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बदलाव को सिकोड़े। अध्याय 5। लोग इसे एक छोटी यात्रा के शुरुआती द्वार की तुलना में अधिक लंबी यात्रा के साथ आंशिक रूप से समाप्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्रवाई को प्रेरित करने का एक तरीका लोगों को यह महसूस कराना है कि वे पहले से ही खत्म होने के करीब हैं जितना उन्होंने सोचा होगा। प्रगति की भावना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भीतर का हाथी आसानी से ध्वस्त हो जाता है। यदि आप एक बदलाव के प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से अपनी टीम के कार्ड में डालने के लिए उन दो पहले टिकटों की तलाश करना शुरू कर देंगे। आने वाले बदलाव के बारे में पूरी तरह से नए और अलग अलग तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लोगों को यह याद दिलाने का प्रयास करें कि पहले से ही क्या जीता गया है। यदि आप चाहते हैं कि एक अनिच्छुक हाथी आगे बढ़े तो आपको बदलाव को सिकोड़ना होगा। हाथी तत्काल भुगतान के बिना बात कर रहा है। अपने डफ के हाथी को पाने के लिए आपको यह आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि कार्य इतना बुरा नहीं होगा। परिवर्तन को सिकोड़ने का एक तरीका यह है कि आप जो निवेश कर रहे हैं उसे सीमित करें, केवल 5 मिनट का गृह कर, केवल एक छोटा सा ऋण। बदलाव को छोटा करने का एक और तरीका है छोटी जीत, मील के पत्थर जो पहुंच के भीतर है। जब आप शुरुआती सफलताएं हासिल करते हैं तो आप जो कर रहे हैं वह इंजीनियरिंग की उम्मीद है। आशा है कि एक परिवर्तन के प्रयास के लिए कीमती है। एक बार जब लोग रास्ते पर होते हैं और प्रगति कर रहे होते हैं तो यह जरूरी है कि उनकी उन्नति दिखाई दे। UCLA के कोच जॉन वुडन, जब आप हर दिन थोड़ा सुधार करते हैं तो अंततः बड़ी चीजें होती हैं। त्वरित बड़े सुधार की तलाश न करें। एक समय में एक दिन छोटे सुधार की तलाश करें। यह एकमात्र तरीका है। ऐसा होता है और जब ऐसा होता है तो यह अंतिम होता है। मनोवैज्ञानिक काल वीक, एक छोटी जीत महत्व कम कर देती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मांगों को कम कर देता है जो कि सभी को करने की आवश्यकता होती है, और कथित कौशल स्तरों को बढ़ाता है। मैं कम से कम ऐसा कर सकता हूँ। ये तीनों कारक परिवर्तन को आसान और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे। आप छोटी जीत का चयन करना चाहते हैं जिसमें दो लक्षण हैं। एक, वे सार्थक हैं। दो, वे तत्काल पहुंच के भीतर हैं। बड़े बदलाव छोटे परिवर्तन के उत्तराधिकार से आते हैं। यह ठीक है अगर पहले परिवर्तन लगभग तुच्छ लगते हैं। हाथी को आगे बढ़ने के लिए चुनौती है, भले ही आंदोलन पहले धीमा हो। अपने लोगों को विकसित करें। अध्याय 6। जब लोग विकल्प बनाते हैं तो वे निर्णय लेने के दो बुनियादी मॉडल में से एक पर भरोसा करते हैं, परिणाम मॉडल या पहचान मॉडल। परिणाम मॉडल मानता है कि जब हमारे पास करने का निर्णय होता है तो हम अपने विकल्पों की लागत और लाभों का वजन करते हैं और चुनाव करते हैं जो हमारी संतुष्टि को अधिकतम करता है। पहचान मॉडल, निर्णय लेने के पहचान मॉडल में हम अनिवार्य रूप से खुद से 3 प्रश्न पूछते हैं जब हमारे पास निर्णय लेने का निर्णय होता है। 1, मैं कौन हूँ? 2, यह किस तरह की स्थिति है? 3, इस स्थिति में मेरे जैसा कोई क्या करेगा? हम सिर्फ एक पहचान के साथ पैदा नहीं होते हैं, हम अपने पूरे जीवन में पहचान को अपनाते हैं। तो सवाल यह है कि आप परिणामों की बात करने के बजाय पहचान को कैसे बदल सकते हैं। लोग नई पहचान विकसित करने के लिए ग्रहणशील हैं। छोटी शुरुआत से पहचान बढ़ती है। एक बार जब आप खुद को एक संबंधित नागरिक के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आप एक जैसा अभिनय करना चाहेंगे। हाथी को असफल होने से नफरत है। जब आप एक लंबी कठिन सड़क का सामना करते हैं तो आप हाथी को कैसे प्रेरित करते हैं? आपको असफलता की उम्मीद पैदा करने की जरूरत है, न कि मिशन की विफलता, बल्कि असफलता का मार्ग। एक विकास मानसिकता वाले लोग जो खुद को फैलाते हैं, जोखिम उठाते हैं, प्रतिक्रिया स्वीकार करते हैं और दीर्घकालिक दृष्टिकोण लेते हैं अपने जीवन और करियर में प्रगति करने में मदद नहीं कर सकते हैं। व्यवसाय के लोग 2 चरणों में सोचते हैं। आप योजना बनाते हैं और फिर आप निष्पादित करते हैं। बीच में कोई सीखने की अवस्था या अभ्यास चरण नहीं है। लेकिन बदलाव लाने और बनाए रखने के लिए आपको कोच की तरह काम करने की जरूरत होती है और स्कोर करने वाले की तरह कम होती है।
वास्तविक परिवर्तन जिस तरह से चिपक जाता है वह अक्सर 3 कदम आगे और 2 कदम पीछे होता है। यदि विफलता परिवर्तन का एक आवश्यक हिस्सा है तो लोगों की विफलता को समझने का तरीका महत्वपूर्ण है। विकास मानसिकता का विरोधाभास, हालांकि विकास मानसिकता विफलता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लगता है और हमें विफलता की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह अनपेक्षित रूप से आशावादी है। हम संघर्ष करेंगे, हम असफल होंगे, हमें खटखटाया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर हम बेहतर होंगे और हम अंत में सफल होंगे। लोग केवल तभी संरक्षण करेंगे जब वे गिरने के बजाय सीखने को गिरने के रूप में अनुभव करेंगे। बदलती उम्मीदें, यदि छात्र घटिया काम करते हैं तो शिक्षक अभी तक नहीं कह सकते हैं, यह छात्रों को मानसिकता देता है, मेरे शिक्षक सोचते हैं कि मैं बेहतर कर सकता हूँ। जबकि सवार को दिशा की जरूरत होती है, हाथी को प्रेरणा की जरूरत होती है। प्रेरणा महसूस करने से आती है, परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए ज्ञान पर्याप्त नहीं है, लेकिन प्रेरणा आत्मविश्वास से भी आती है। हाथी का मानना कि यह परिवर्तन को जीतने में सक्षम है, और लोगों के विश्वास को बनाने के लिए 2 मार्ग हैं ताकि वे अपनी चुनौती के सापेक्ष बड़ा महसूस करें। आप अपने लोगों को या दोनों को बदल सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। पर्यावरण को तोड़ो, अध्याय 7। एक व्यक्ति की समस्या क्या दिखती है, अक्सर एक स्थिति समस्या होती है। स्टैनफोर्ड मनोवैज्ञानिक ली रॉस, लोगों में स्थितिजन्य बलों को अनदेखा करने की एक व्यवस्थित प्रवृत्ति है जो अन्य लोगों के व्यवहार को आकार देते हैं। उन्होंने इस गहरी जड़ वाली प्रवृत्ति को मूलभूत विशेषता त्रुटि कहा। मौलिक विशेषता त्रुटि, त्रुटि हमारे झुकाव में निहित है लोगों के व्यवहार को उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से वे उस स्थिति में हैं। यदि आप लोगों को बदलना चाहते हैं तो आप स्पष्ट दिशा राइडर प्रदान कर सकते हैं या उनकी प्रेरणा और दृढ़ संकल्प हाथी को बढ़ावा दे सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप बस यात्रा को आसान बना सकते हैं, एक खड़ी ढलान बनाएं और उन्हें एक धक्का दे, आप मार्ग को आकार दे सकते हैं। यदि आप रास्ता बदलते हैं तो आप व्यवहार को बदल देंगे। पर्यावरण को छोटा करना सही व्यवहार को थोड़ा आसान और गलत व्यवहार को थोड़ा कठिन बनाने के बारे में है। जब आप परिवेश बदलते हैं तो चरित्र की समस्या जैसा दिखता है अक्सर सही होता है। पथ के सरल मोड़ व्यवहार में नाटकीय बदलाव ला सकते हैं। आदतों का निर्माण, अध्याय 8। लोग पर्यावरण और संस्कृति के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील हैं, उन समुदायों के मानदंडों और अपेक्षाओं के लिए जो वे हैं। क्योंकि हम सहज रूप से अपने सहकर्मी समूह के साथ फिट होने की कोशिश करते हैं। व्यवहार संक्रामक है। हमारा वातावरण जिस तरह से हमारे ऊपर काम करता है वो हमारी आदतों को मजबूत करने से है। आदतें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे व्यवहार ऑटोपायलट हैं। वे बहुत अच्छे व्यवहार की अनुमति देते हैं सवार के बिना चार्ज करने के लिए। राइडर का आत्मनियंत्रण संपूर्ण है, इसलिए यह एक बहुत बड़ा प्लस है अगर कुछ सकारात्मक चीजें ऑटोपायलट पर मुक्त हो सकती है। कार्रवाई ट्रिगर, प्रेरित करने वाली कार्रवाई पर प्रभावी एक्शन ट्रिगर्स, आपको कुछ ऐसा करने के लिए नहीं मिलेगा जिसे आप वास्तव में करना नहीं चाहते हैं। ट्रिगर करने का मूल्य इस तथ्य में रहता है कि हम किसी निर्णय को पूर्व लोड कर रहे हैं। निर्णय को पूर्व लोड करके हम सवार के आत्मनियंत्रण को संरक्षित करते हैं। जब लोग पूर्व निर्णय लेते हैं तो वे पर्यावरण पर अपने पर्यावरण का नियंत्रण पारित करते हैं। एक्शन ट्रिगर्स लक्ष्यों को ध्यान भंग, बुरी आदतों या प्रतिस्पर्धी लक्ष्यों से बचाता है। लोगों की चेतना की सामान्य धारा को बाधित करने के लिए कार्रवाई ट्रिगर विशिष्ट और पर्याप्त होना चाहिए। एक्शन ट्रिगर इंस्टेंट आदतों को ट्रिगर करता है, व्यवहार ऑटोपायलट। 8155 प्रतिभागियों का विश्लेषण करने वाले एक अध्ययन में पाया गया कि एक्शन ट्रिगर सेट करने वाले विशिष्ट व्यक्ति ने एक ही कार्य पर 74% से अधिक लोगों को बेहतर बनाया जो एक सेट नहीं करते थे। आप एक आदत कैसे बना सकते हैं जो आपके द्वारा किए जा रहे बदलाव का समर्थन करती है? सोचने के लिए केवल 2 चीजें हैं। मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आदत की जरूरत है। आदत को गले लगाने के लिए अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए। एक अच्छा बदलाव नेता कभी नहीं सोचता है कि ये लोग इतनी बुरी तरह से क्यों काम कर रहे हैं। उन्हें बुरे लोग होने चाहिए। एक परिवर्तन नेता सोचता है, मैं इन लोगों में अच्छाई लाने वाली स्थिति कैसे स्थापित कर सकता हूँ। रैली झुंड, अध्याय 9। अस्पष्ट परिस्थितियों में हम सभी को दूसरों के लिए देखो कि कैसे व्यवहार करना है। आप चीजें कर रहे हैं क्योंकि आप अपने साथियों को उन्हें करते देखते हैं। व्यवहार संक्रामक है। यदि आप चीजों को बदलना चाहते हैं तो आपको सामाजिक संकेतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वे या तो बदलाव के प्रयास की गारंटी दे सकते हैं या इसे बर्बाद कर सकते हैं। जब आप एक अपरिचित मार्ग पर एक हाथी का नेतृत्व कर रहे हैं तो संभावना है कि यह झुंड का पालन करने जा रहा है।
हाथी लगातार झुंड को देखता है कि कैसे व्यवहार किया जाए उन स्थितियों में जहां आपके झुंड ने सही व्यवहार अपनाया है। इसे प्रचारित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपकी टीम का 80% समय पर टाइम शीट जमा करता है तो सुनिश्चित करें कि अन्य 20% समूह के मानदंडों को जानता है। वे व्यक्ति लगभग निश्चित रूप से खुद को सही कर लेंगे। आप चाहते हैं कि कुछ लोग अलग तरह से कार्य करें, लेकिन वे बदलाव के प्रतिरोधी हैं। तो आप दूसरों के समर्थन में रैली करते हैं जो बदले में उन लोगों को प्रभावित कर सकते हैं जिनकी आप उम्मीद करते हैं। संक्षेप में, यह संस्कृति को बदलने का प्रयास है और संस्कृति अक्सर सफल संगठनात्मक परिवर्तन की लिंचपिन है। रिक्त स्थान, छोटे पैमाने पर बैठ के जहां सुधारक एकत्रित हो सकते हैं और प्रमुख समूह के सदस्यों द्वारा देखे बिना सामूहिक कार्रवाई के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने में अक्सर रिक्त स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप अपने संगठन की संस्कृति को बदलना चाहते हैं तो आपको सुधारकों को एक साथ लाने के लिए मिला है। उन्हें खाली जगह चाहिए, उन्हें प्रतिरोधों की टकटकी के बाहर समन्वय करने के लिए समय चाहिए। एक समय के लिए, कम से कम, आपको, हमें बनाम उन्हें संघर्ष करने की अनुमति मिल गई है। यह वांछनीय नहीं है, लेकिन आवश्यक है। प्रत्येक संस्कृति, चाहे वह राष्ट्र हो या संगठनात्मक, उसकी भाषा को शक्तिपूर्वक द्वि आकार दिया जाता है। स्विच चालू रखें। अध्याय 10। एक लंबी यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है, लेकिन एक भी कदम लंबी यात्रा की गारंटी नहीं देता है। आप आने वालों को कैसे रखते हैं? पहली बात यह है कि पहले चरण को पहचानना और जश्न मनाना है। आपके द्वारा किए गए कुछ काम, आपने सवार को निर्देशित किया है, हाथी को प्रेरित किया है, पथ को आकार दिया है और अब आपकी टीम आगे बढ़ रही है। जब आप आंदोलन करते हैं तो आपको इसे सुदृढ़ करना होगा। सुदृढ़ीकरण एक लंबी यात्रा पर पहला कदम और दूसरे, तीसरे और 100वें कदम पर अतीत को प्राप्त करने का रहस्य है। हम में से अधिकांश भयानक रीइन्फोर्समेंट हैं, हालांकि हमें उज्ज्वल स्थानों की तलाश करने और उन्हें पुरस्कृत करने की आवश्यकता है, भले ही वे छोटे हों। हमारी सवारियां स्वभाव से नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करती हैं। समस्याएं आसान हैं, प्रगति कठिन है, लेकिन कीमती है। सुदृढ़ीकरण आपको गंतव्य के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है और ऐसा होने पर उज्ज्वल स्पॉट व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए आपको पर्याप्त समझ रखने की आवश्यकता होती है। परिवर्तन एक घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। मेरे संपर्क प्रभाव, इसका मतलब है कि जितना अधिक आप किसी चीज के संपर्क में आते हैं उतना ही आप इसे पसंद करते हैं। यह सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि एक बदलाव का प्रयास जो शुरू में अवांछित लगता है और विदेशी धीरे धीरे और अधिक अनुकूल माना जाएगा क्योंकि लोग इसके आदि हो जाते हैं। इसके अलावा, संज्ञानात्मक असंगति आपके पक्ष में काम करती है। लोग एक तरह से कार्य करना पसंद नहीं करते और दूसरे में सोचते हैं। इसलिए एक छोटा कदम उठाया गया है और लोगों ने नए तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। उनके लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं उसे नापसंद करना तेजी से मुश्किल होगा। जैसे जैसे लोग अलग अलग कार्य करना शुरू करते हैं, वे खुद को अलग तरह से सोचना शुरू कर देंगे और जैसे जैसे उनकी पहचान विकसित होगी, यह चीजों को करने के नए तरीके को सुदृढ़ करेगा। जब परिवर्तन काम करता है तो यह एक पैटर्न का पालन करता है। जो लोग बदलते हैं उनके पास एक स्पष्ट दिशा, पर्याप्त प्रेरणा और एक सहायक वातावरण होता है। जब परिवर्तन काम करता है तो इसका कारण यह है कि स्विच के समर्थन में राइडर, हाथी और पथ सभी गठबंधन किए गए हैं। धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे। आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद। आपका दिन अच्छा।